ओके स्टूडेंट्स, तो हम उसकी एक्सरसाइज देखते हैं। उसमें है क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मेनी पीक्स वेर देयर। हाउ मेनी मतलब कितने, तो पीक्स कितने थे, तो पीक्स आपको पता है ना उसमें, तो देयर आर थ्री लिटल पीक्स। पीक्स कितने थे, थ्री। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द बिग वुल्फ से टू द पीक्स, तो जो भेड़िया था, वुल्फ का मतलब क्या है, भेड़िया, तो उसने पिक्स को क्या कहा, तो उसने कहा कि आई विल हफ एंड पफ योर हाउस, के मैं तुम्हारे हाउस को गिरा दूंगा। ओके, आगे देखते हैं, वॉज द वुल्फ गुड और बैड, क्या वुल्फ था वो अच्छा था कि या फिर वो गंदा था, वो खराब था, तो वुल्फ वॉज क्या आएगा, बैड, राइट। व्हाट इज योर हाउस मेड ऑफ, आपका हाउस है वो किन किन चीजों से बना है, मेड ऑफ मतलब आपका हाउस किन किन चीजों से बना है, तो उसका आंसर आएगा माय हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। आपका हाउस किससे बना है, ब्रिक्स से। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, ईंट। ओके, आगे देखते हैं, हु इज गुड, हु इज बैड, तो उसमें कौन अच्छा था और कौन खराब था, तो द पिग इज गुड एंड द वुल्फ इज बैड। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, उसमें है राइट द होम्स ऑफ फार्म एनिमल्स, वाटर एनिमल्स एंड जंगल एनिमल्स। उसमें है कि आपको ये जो एनिमल्स दिख रहे हैं वो आपको उसके जो शेल्टर्स दिए गए हैं उस पर आपको मैच करना है। जैसे पहला है बफेलो, तो बफेलो फार्म में रहता है तो उसको ऐसे फार्म में ज्वाइन करेंगे। फिर बियर, बियर जंगल में रहता है तो उसको जंगल के साथ ऐसे मैच करेंगे। फिर हॉर्स, हॉर्स कहाँ रहता है, फार्म में, तो फार्म के साथ मैच करेंगे। हैन, डॉग, वो दोनों भी फार्म में रहते हैं तो फार्म के साथ आपको लाइन को मैच करना है, ज्वाइन करना है। क्रोकोडाइल और फ्रॉग, वो दोनों कहाँ पे रहते हैं, वाटर। क्रोकोडाइल का मतलब क्या होता है, मगर, तो वो पानी में रहते हैं और क्रोकोडाइल जंगल में भी रहता है, राइट। फिर आगे है काऊ, काऊ कहाँ रहते हैं, फार्म में, तो वो आपको फार्म के साथ मैच करना है। फिर मंकी, वो भी जंगल में रहता है। जिराफ, वो जंगल के साथ मैच करो। और राइनोसॉर्स, वो भी जंगल में रहता है। तो आपको ये एक्टिविटी अपनी बुक में करनी है, राइट। और बच्चों, मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर सिखाया है वो आपको इंग्लिश की नोटबुक में राइट डाउन करने के हैं, ओके। तो आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।